ये फ्लैट आपको अगर आप सारा सब्सिडी वगैरह हटा देंगे तो मात्र आपको 9 लाख रुपए इस फ्लैट का पड़ने वाला है, जो कि 1 BHK होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज जो हम आए हुए हैं देख सकते हैं TCS बिल्डर एंड प्रॉपर्टीज, इनका खुद का यहाँ पे ये बिल्डर है। ये फ्लैट आप देख रहे होंगे, इसी में आपको हम 1 BHK का फ्लैट दिखाने वाले हैं। इनका ऑफिस भी इसी में है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको प्रॉपर्टी डीलर है बस, ये इनका बिल्डर है। ये खुद के अपने फ्लैट में ही अभी फ्लैट आपको दिखाने वाले जो सेल कर रहे हैं। ऐसे इनका और भी एफिलिएट होता है और भी काफ़ी सारा, आप अगर बोलेंगे तो DLF अंकुर बिहार के अंदर आपको और भी मिल जाएगा। एक बार आप एलिवेशन देख सकते हैं फ्लैट का, इसके अंदर आपको 2 व्हीलर का पार्किंग है, उसके बाद रोड आपको काफ़ी अच्छा स्पेस में मिल जाएगा। एक बार आप रोड देख सकते हैं, यहाँ से जो आपको फ्लैट के आगे रोड है इस पर आप पार्किंग आराम से सोसाइटी में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ पे। और काफ़ी सस्ता फ्लैट होने वाला है, प्राइस रेंज ना आपको इतना पसंद आएगा। यहाँ पर DLF अंकुर बिहार में ये पड़ता है, सोसाइटी का जो नाम है रेल विहार नाम है। ये फ्लैट आपको अगर आप सारा सब्सिडी वगैरह हटा देंगे तो मात्र आपको 9 लाख रुपये इस फ्लैट का पड़ने वाला है, जो कि 1 BHK होगा। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है इसमें, जो कि आपको 9 लाख रुपए पड़ने वाला है। आप तो हमारे साथ यहाँ के जो आपको यहाँ बिल्डर जो है मैंग भाई है, क्या हाल है भाई? बढ़िया, अपने बारे में बताइए, आप जो फ्लैट में डील कर रहे हैं, जैसे कि ये आपका खुद का है ना? जी जी, अपना ही है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपका ऑफिस भी इसी फ्लैट में और इसी में आप दे रहे हैं। हमारा ग्राउंड फ्लोर पर ही है और बिल्डर भी हम ही है। अच्छा, और सेल भी हम खुद ही करते हैं। अच्छा, अपने पास जो आपके पास, जैसे कि ये आपका खुद का बिल्डिंग है, इसके अलावा आपके पास और भी आप बिल्डिंग इसके होगा? हाँ, हमारे पास काफ़ी सारी यूनिट्स हैं। आपका ये थोड़ा सोसाइटी में पड़ता है, आपका प्रॉपर सोसाइटी है, कवर्ड सोसाइटी है, ये थोड़ा अंदर आके आता है। हमारे पास जो यूनिट है वो बाहर भी है, ऑन रोड भी यूनिट है। अच्छा जी, एक बार आपको हम सोसाइटी दिखाना चाहें, यहाँ पे अभी नया तैयार हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार ये सारा अभी बन ही रहा है, काफ़ी अच्छा आपको सोसाइटी बनने वाला है। भैया ये बताइए, इस सोसाइटी में लगभग कितने, मतलब कैसे कैसे क्या फैसिलिटी आ रहा है अभी? फैसिलिटी सर, इसमें आपका प्रॉपर सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी है। सोसाइटी में आपका पानी के लिए आपका बिल्डिंग में समरसेबल है, पानी की कोई समस्या नहीं। अच्छा। है आपका मीठे पानी की भी पाइपलाइन डल रही है, सीवर है, आपका सोसाइटी में पार्क है, स्कूल है, वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, आपका नर्सिंग होम, पुलिस स्टेशन, सब आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ठीक है, एक बार ये बताइए, जैसे कि फ्लैट के अंदर 2 व्हीलर का पार्किंग आप दे रहे हैं? 2 व्हीलर पार्किंग है। मैं आपको बता दूं कि जो फ्लैट में है 14 यूनिट फ्लैट है। अच्छा, 14 फ्लैट हैं और उसमें आपका हमने जो आपको बाइक पार्किंग की दी हुई है, अराउंड 25 से 30 बाइकों का स्पेस दिया अंदर ही पार्किंग, अंदर ही पार्किंग है आपका प्रॉपर। अच्छा, और बाहर जैसे कि रोड का, बाहर अगर आपको जैसे रोड का साइज जो है आपका 30 फीट का होने वाला 30 है, 30 फीट का रोड है, 30 फीट का रोड है, आप उस पर इजिली अपना कार पार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर बाइक भी पार्क कर सकते हैं। और सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको बता दूं, दिन में और रात के टाइम आपका 2 PCR इस सोसाइटी में अवेलेबल रहती हैं, प्लस आपका जो बाइक का होता है पुलिस की, तो वो भी एक सोसाइटी में आपका यह है, एक पुलिस की वैन आपका 24 आवर्स आपकी सोसाइटी में अवेलेबल रहती है। ये सिक्योरिटी रीजन हुआ आपका। सेकंड चीज़ क्या है, आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल है, बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मार्केट है, दिक्कत नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मैरिज हॉल भी है, गार्डन। अच्छा। तो आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो जैसे कि ये DLF अंकुर बिहार UP में पड़ता है, UP के एरिया में, यहाँ जी दिल्ली का जो रोड है जस्ट पास में ही है, तो कितना दूर है ये आपका? ये अराउंड आपके फ्लैट से जो दूर होने वाला है वो आपका मात्र 700 से 800 मीटर दूर है। ठीक है, बस DLF अंकुर बिहार UP में पड़ रहा है, लेकिन आपको दिल्ली, आप जैसे ही रोड से बाहर निकलेंगे दिल्ली का रोड आ जाता है, ये बॉर्डर ही है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे आपका बिल्कुल 700 मीटर की दूरी पे है और वहाँ से ही आपका दिल्ली स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, तो बाकी आप स्कूल वगैरह सारा कुछ पास में, हम अंदर चलेंगे आपको फ्लैट का एक एक करके दिखाएंगे कैसा फ्लैट बना हुआ है। 1 BHK में है तो इसमें सब्सिडी वगैरह है ना? सब्सिडी बिल्कुल, सब्सिडी मिलती है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, आपको 2.67 लाख की सब्सिडी मिलती है। लोन वगैरह हम 80 से 90% आपका लोन करा देते हैं जी। क्या रिक्वायर्ड होगा लोन के लिए? रिक्वायर्ड के लिए आपका सैलरी, या तो आप सैलरी पर्सन हो या फिर अपना बिजनेस हो, सैलरी पर्सन होता है तो सैलरी के डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको 3 साल की ITR पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार चलिए आप अंदर दिखा दीजिए मुझे फ्लैट कैसा है हमारे व्यूअर को। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं एलिवेशन आपने देखा, इसके बाद आपको जो फ्लैट में अंदर जाने का रास्ता है देख सकते हैं, यहाँ से आपको बाइक पार्किंग अंदर ही होता है। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं, फ्लैट भी अंदर ही, फर्स्ट फ्लोर पे आपको हम फ्लैट दिखाएंगे, ये देख सकते हैं। अब हम आए हुए फ्लैट के अंदर देख सकते हैं भैया, इसके बारे में अंदर क्या मटेरियल यूज़ किया हुआ है? ये जो मटेरियल आपका पत्थर यूज़ किया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पत्थर यूज़ किया हुआ है। अच्छा, वैसे पत्थर पार्किंग में कमी यूज करते हैं, पर हमने अच्छी क्वालिटी के लिए आपका पत्थर यूज किया हुआ है। गेट वगैरह देख सकते हैं, गेट भी आप देख लीजिए कितनी मजबूत है, बहुत ही हैवी गेट है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है चोरी।
ठीक है। तो हम ये अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अब चार फ्लैटें बनी हुई है, 1, 2, 3, 4, ये फर्स्ट फ्लैट होने वाला है, इसमें अभी आपको हम ले चलेंगे। तो आइए एक बार अंदर आइए, भैया दिखाते हैं अंदर में कैसे कैसे। ये देखिए, ये है आपको ड्राइंग रूम, जैसे कि इसमें भैया ये सब क्या यूज किए हुए हैं बताइए। ये देखिए, इस पर हमने टेक्सचर यूज किया हुआ है आपका, और जितना भी काम कराया हुआ है हमने सब कंपनी का पेंट कराया हुआ है आपका। इसमें जो पेंट हो रखा है वो आपका एशियन का टेक्सचर इमल्शन पेंट हो रखा है। अच्छा जी, बिल्कुल आपका वॉशेबल है, कोई दिक्कत नहीं, और आपका पेंट खराब नहीं होगा बिल्कुल भी, आपका स्क्रैच लेस है, और ये भी आपका वॉशेबल है जी। ठीक है, टाइल्स वगैरह? टाइल्स आपका विक्ट्रीफाइड टाइल्स है, ठीक है जी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे सबसे पहले आप डोर देख सकते हैं, डोर देख सकते हैं आप, डोर की क्वालिटी देख सकते हैं। अभी जो अभी इस पे पन्नी चढ़ी हुई है, ये बाद में आपका क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, प्लास्टिक लगा हुआ है इसमें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लॉक वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हैं सारा बिल्कुल। उसके बाद इलेक्ट्रिक का जो आप यूज किए हैं कनेक्शन में, इसमें ब्रांडेड है सब? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रांडेड है, कोई दिक्कत नहीं, आपका अच्छी क्वालिटी के हैं, और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। और देखिए, हम खुद ऑफिस, हमारा ऑफिस नीचे है, तो ऐसा कुछ इसमें यूज नहीं किया हुआ कि आपको आने वाले टाइम में कोई शिकायत मिले। ठीक है, और आप देख सकते हैं लाइटिंग देख सकते हैं, एक बार आप सेलिंग देख लीजिए, ये सारी चीजें हम आपको इंक्लूड करके दे रहे हैं। फॉल सीलिंग देख सकते हैं, वो भी काफी अच्छा है। आप लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं, इसमें आपको लगाया हुआ है, फैन वगैरह सब कुछ इसमें अटैच ही देंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें हम आपको एक डाइनिंग रूम में फैन देंगे, एक आपका बेडरूम में फैन देंगे। अच्छा, प्लस आपका लाइटिंग में दिख रहा है, आपको सारी लाइटें देंगे, और आपको एक एग्जॉस्ट फैन भी दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही देखिए, फैन प्लस आपका आरओ। अच्छा, आरओ भी देंगे साथ? बिल्कुल आरओ भी देंगे, काफी अच्छा, आपको आरओ वगैरह भी देंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको बस फ्लैट का फ्लैट देंगे। अब देखिए, जैसे ड्राइंग रूम के बाद यहाँ पे आपको इसमें वॉशरूम मिल जाता है आपको, ये देख सकते हैं आप, इसमें भी ऊपर तक आपने क्या यूज किया, ये मटेरियल सब आपका टाइल्स हैं, जो भी हैं आपके सारे विक्ट्रीफाइड टाइल्स हैं। अच्छा, और आप देख सकते हैं सीट भी हम अच्छी क्वालिटी की वन पीस लगा के दे रहे हैं। अच्छा, फ्लैट में कम देते हैं, इस जो कॉस्ट है फ्लैट की, इस कॉस्ट में ये वाली सीट आपको नहीं देते। तो आप सामान देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपका शावर हुआ, नल हुआ, सीट वगैरह सारी चीज़ें जी। ये वॉशरूम से ही भैया ये साफ का एरिया है? हाँ जी बिल्कुल, साफट का एरिया है आपका, यहाँ पर भी एग्जॉस्ट के लिए हमने स्पेस दे दिया है। ठीक जी, अब बाहर आएंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि ड्राइंग रूम में आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए, ड्राइंग रूम के पास से आपको भी साफ का एरिया है, बिल्कुल प्रॉपर वेंटिलेशन दिया हुआ है। मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, और सामने आप देख सकते हैं IGL की गैस पाइपलाइन बिल्कुल आई हुई है आपका, बिल्कुल रेडी है, और आपका नॉर्मल गैस सिलेंडर से आपका आधा खर्चा है। अगर महीने में एक सिलेंडर आपका लग रहा है, तो इससे आपका जो बिल आएगा वो मात्र 250 रुपये के अराउंड आएगा। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा होने वाला है। अब आइए आप ये देखिए, यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम के पास ही आपको किचन मिल जाती है, किचन मिल जाती है, किचन का स्पेस देखिए, स्पेस भी अच्छा है। यहाँ पे आपको 3 टैप दे दिए हैं आपका, एक गर्म पानी का है, एक आपका टंकी के पानी का है, और एक आपका ताजे पानी का है। जैसे ही आपका समरसेबल चलेगा तो आप अपना ताजा पानी भी भर सकते हैं। इधर से भी हमने वेंटिलेशन दे दिया, यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा के देंगे, जो अभी नहीं लगाया है वो बाद में लगा के देते हैं जब पार्टी शिफ्ट होती है। डोर आप देख सकते हैं अंदर तक अच्छे तरीके से पेंट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस है, काफी स्पेसिबल है, और यहाँ पे आप अपना मसाले वगैरह रख सकते हैं, ऊपर स्पेस है, वहाँ पर स्पेस है, नीचे भी आपका स्पेस दिया हुआ है, काफी देख सकते हैं, नीचे भी स्पेस आपको, इधर भी लगा हुआ है, ये यहाँ भी देख सकते हैं आप, इधर भी लगा हुआ है आपको, स्पेस इधर भी है आपका। अच्छा, तो स्पेस काफी अच्छा होने वाला है, यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें भी टाइल्स भी देख सकते हैं, किचन में आपका किचन के लिए काफी अच्छे टाइलें यूज की हुई है, लाइट कलर यूज किया हुआ है जी। ठीक है, बस यहाँ तक आपको किचन हुआ, इसके बाद अंदर आप चलते हैं, ये देख लीजिए, इसमें भी डोर वगैरह लगा हुआ है सारा कुछ। तो आप इसमें जो आपको बेडरूम मिलता है, बेडरूम पे आ गए हम, बेडरूम देख सकते हैं आप, बेडरूम भी काफी स्पेस दिया हुआ है आपका, डिजाइन यहाँ पर भी हमने टेक्सचर पेंट यूज किया हुआ है आपका। अच्छा, और कलर जो है वो आपको बताया गया, ये वॉलपेपर नहीं है, ये पेंट है, ये वॉलपेपर नहीं है, ये आपका पेंट है, पेंट यूज किया गया। नीचे भी टाइल्स देख, नीचे टाइल दी हुई है, देख लीजिए आप, टाइल देख लीजिए आप, और जो आपका रूम दिया हुआ है बेडरूम आपका 10x10 का स्पेस है। ठीक है, इसी से साथ में बालकनी भी है, इसी के साथ में बिल्कुल बालकनी है, बालकनी भी देख सकते हैं आप, एक बार आइए आप बालकनी देख लीजिए, ये आपकी बालकनी है आपका 12x12
बारह बाई तीन की बालकनी है। 10x10 का ये बेडरूम था जी, बिल्कुल बालकनी देख सकते हैं। इसमें क्या यूज की, ग्रिल भी यूज कर सकते हैं आप, SS की ग्रिल यूज की हुई है, आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी की है और हैवी क्वालिटी है, ठीक है, काफी अच्छा। यहाँ देख सकते हैं आप, अगर यहाँ का व्यू देखें आप तो अच्छा दिख जाता है यहाँ से आपको। ये कॉलोनी देखिए कितने अच्छे बसा हुआ है, अभी बस ही रहा है कॉलोनी, और भी काफी फ्लैट पे फ्लैट बनते ही जा रहे हैं जी, अभी और भी यूनिट बन रही है और भी तैयार हो रहे हैं। अच्छा जी बिल्कुल, और काफी जल्दी डेवलप हो रहा है, आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूँ। इसमें नियर बाई में आपका जो नेशनल हाईवे बताया है वो आपका अभी 6 लेन होने वाला है, मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो आने वाले तीन चार साल में आपकी मेट्रो भी यहाँ पे आ रही है। वे एक बार ये बताइए, जैसे कि फ्लैट तो आपका ठीक है प्राइस रेंज में बहुत अच्छी फ्लैट है डीएलए बंकुर विहार के अंदर, यहाँ से दिल्ली का ही मेट्रो है, जैसे कितने डिस्टेंस पे अभी फिलहाल? देखिए दिल्ली का मेट्रो स्टेशन मैं आपको बता दूँ, विहार मेट्रो स्टेशन मात्र आपका 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, प्लस आपका 3-4 किलोमीटर पर ही खजूरी पे आपका काम चल रहा है मेट्रो का। जल्दी आने वाले टाइम में आपका जल्दी से जल्दी काम, आपको भी पता है बहुत स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी आने वाला है, मेट्रो आने वाले, प्लस आपका अक्षरधाम से आपका नोएडा जाने वाले जो भाई हैं जिनको नोएडा जाना होता है वो थोड़ा जाम में फंसते थे, तो आपका अक्षरधाम से लेके आपका यहाँ तक का फ्लाईओवर पास हो चुका है, तो आने वाले टाइम में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में आपका इसी फ्लैट का आप आने वाले 2 से 3 साल में आपका इसका डबल रेट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो मतलब फ्लैट इन्वेस्टमेंट जो भाई इन्वेस्ट के पर्पस से आप करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और जो भाई अपना रेंट दे रहे हैं 6 से 7 हज़ार रुपये रेंट दे रहे हैं, उसी EMI में आपका, उसी के अराउंड EMI में आपका घर अपना हो सकता है, ठीक है जी। एक बार ये बताइए, जैसे कि इसमें मंथली जो आपको EMI भरेंगे उसके अलावा पहली बार पेमेंट कम से कम कितना देके हो जाएगा? देखिए मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आप बुकिंग स्टार्टिंग में मात्र हमको बुकिंग अमाउंट चाहिए, ठीक है। बुकिंग अमाउंट आप 51,000 रुपये दे के बुकिंग अमाउंट कर सकते हैं, विद इन फिर आपका हम लोन के लिए फाइल डाल देते हैं, विद इन 20-30 डेज आपका लोन हो जाता है, सैंक्शन हो जाएगा, और जो आपकी EMI बनेगी स्टार्टिंग में अराउंड आपका मात्र 9.5 से 10 हज़ार रुपये के आसपास आपकी EMI बनेगी, और जैसे ही 4 से 6 महीने के अंदर आपकी जो सब्सिडी आती है, सब्सिडी आती है वो मात्र आपकी जो EMI है वो 7-7.5 हज़ार रुपये रह जाएगी। अच्छा। प्लस आपको केवल एक छोटा सा अमाउंट और थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, 1,00,000 रुपये रजिस्ट्री और 1,00,000 रुपये के आसपास आपकी मिनिमम आपकी डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट आप कितनी भी कर सकते हैं, मिनिमम 1,00,000 रुपये जी, तो बिल्कुल 51,000 रुपये देंगे घर आपका, ठीक है। 1,00,000 रुपये मात्र आपको इस घर का देना है, पूरा प्राइस कितना है एक बार फिर से बताइए? पूरा प्राइस जो इसका होने वाला है 12.5 लाख रुपये आपका फ्रंट का होने वाला है और बैक का 11.5 लाख रुपये, ठीक है मात्र। तो ये आपने जैसे देखा फ्रंट पे है ये, तो 12.5 लाख इनका प्राइस है, तो आएंगे कोई लेने तो उनके लिए कुछ हो जाएगा रिगार्डिंग में? यस फिक्स है प्राइस नहीं, देखिए वैसे तो फिक्स है पर यह है कि थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बिल्कुल ज्यादा तो गुंजाइश नहीं है पर यह है थोड़ा बहुत हम देख लेंगे, बिल्कुल जिनको लेना हो किसी को मायूस नहीं करेंगे, हम भी चाहते हैं हर किसी को अपना घर मिले, ठीक है जी। तो मिनिमम डाउन पेमेंट 1,00,000 रुपये में आपको मिल जाएगा, 12.5 लाख का फ्रंट का है, बैक पे इसी में जो फ्लैट है और भी 11.5 में है, डाउन पेमेंट 1,00,000-2,50,000 सब्सिडी, अगर फ्रंट का भी लेते हैं तो उनको प्राइस लगभग 10 लाख के आसपास पड़ रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, सब्सिडी के बाद आपका 10 लाख के आसपास सारा कुछ फैसिलिटी है, हॉस्पिटल वगैरह सारा कुछ है बिल्कुल, आपको मैंने बताया मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, आपका गैस वगैरह, वाटर सप्लाई सब कुछ है, वाटर सप्लाई आपका बताया मैंने आपको, बिल्डिंग में आपका समर सेविल है और गैस कनेक्शन भी मैंने आपको दिखाया, आईजल की गैस पाइपलाइन आई हुई है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आपकी चारों तरफ से कवर्ड सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी है, पार्क सोसाइटी में आपका पार्क है, मंदिर है, सारी चीजें अवेलेबल है, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, जो यहाँ से दिल्ली की दूरी होने वाली है, सिग्नेचर ब्रिज मार्ग तो आपका 5 किलोमीटर की दूरी पे है, ISBT सबको आउट स्टेशन जाना पड़ता है, ISBT सबसे जरूरी है, वो मात्र आपका 12 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, वो भी आपका मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पे पढ़ने वाला है, और यहाँ पर एक आपका लोनी रेलवे स्टेशन है वो भी मात्र आपका 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, लोनी रेलवे जी बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है जी। तो रोड भी आपको अच्छा खासा 30 फीट का बताया, 30 फीट रोड है बिल्कुल आप।
तो बाकी सब कुछ ठीक है। आपको डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है भैया का, तो इनसे आपको अगर फ्लैट आपको पसंद आया हो या फिर कोई इंक्वायरी चाह रहे हो तो आपको कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग 8 बजे से रात आपका 10 बजे तक की। अच्छा, 8 से 10 बजे रात तक। जी ठीक है, आप कॉल कर लीजिएगा। बाकी की इंक्वायरी के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही फ्लैट का भी आपको वीडियो या फिर अदर हमारे चैनल पे बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।